नमस्कार, मेरा नाम संजय मोंगा है और मैं ETEN केजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको अर्थव्यवस्था या आर्थिक मुद्दों से रिलेटेड से संबंधित कुछ विषयों के बारे में जानकारी दूंगा। आज का हमारा जो विषय है वो काले धन से संबंधित है और इसमें काफ़ी रुचि रहती है सभी की, स्टूडेंट्स की भी रहती है और नेताओं की तो खास तौर पर रहती है, आप जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काला धन और मुद्रा शोधन यानी ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जो हमारा आज का विषय वस्तु रहेगा आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे, काला धन क्या होता है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि अगर हम अवैध कार्य से कोई भी धन कमाएंगे, अवैध व्यवसाय कोई भी हो सकता है, जैसे अधिकतर जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, नारकोटिक्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, और जो अवैध तस्करी हथियारों की होती है, ये मुख्य तौर पर दो सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं काले धन के लिए। और आजकल एक नया इसमें उभरता हुआ जो नाम है वो आतंकवाद से संबंधित जो काला धन है उसका भी आता है। तो तीन हमने इसमें मेन जो मुख्य बिंदु हैं, अवैध स्रोत जिनको हम कह सकते हैं, वो काला धन कमाने के, वो तस्करी से संबंधित कुछ भी आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको कि अवैध दवाएं हो सकती हैं या नशीले पदार्थ जिनको हम कहते हैं, और जो बड़े बड़े आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो बड़े जानवर होते हैं उनकी खालों की तस्करी एक आम बात है, जैसे गेंडे का सींग होता है या हाथी दांत होता है, और इवन जो जो मानव के जो अंग होते हैं उनकी भी तस्करी होती है, आप जानते हैं। तो ये सारे जो अवैध व्यापार हैं जिनमें प्रमुखतः हम लोग हथियार को लेते हैं और नशीले पदार्थ को लेते हैं, और आज मैंने आतंकवाद का जैसे एक नया आपको यहाँ डायमेंशन दिया है, ये तीनों को अगर हम एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में प्रयोग करें तो इससे जो पैसा कमाते हैं ये लोग, जो क्रिमिनल्स जो हैं इस तरह के, वो काफ़ी बड़ा पैसा होता है और उस पर हम कर भी नहीं अदा कर सकते चाकर भी चाहे, क्योंकि आपका जो कार्य है वो अवैध है और उसके अंदर आपके पास बहुत बड़ा एक पनिशमेंट का चांस है, तो इसीलिए आपको उस सबको छुपा के रखना होगा। और किसी भी मुद्रा को जब आप छुपा के रखेंगे, किसी भी धन को, किसी संपत्ति को, और सरकार को नहीं बताएंगे, तो वो काले धन के रूप में चीज़ मानी जाएगी। दूसरा जो चीज़ है अवैध की जगह, अगर मैं वैध कारोबार की बात भी करूं, तो वैध कारोबारी भी हमारे पास जो बहुत से लोग होते हैं वो कर को बचाने के लिए, क्योंकि 30% से ज़्यादा कर का दर हो जाता है, जब आपका आय 10 लाख सालाना से ऊपर हो तो आपको करीब करीब एक तिहाई अपना आय का सरकार को देना पड़ जाता है। तो उस केस में जो कारोबारी हैं, बहुत से कारोबारी, और हमारे देश में तो जो असंगठित व्यवसाय है वो काफ़ी अधिक है, उस वजह से भी ये देखा जाता है कि ये लोग कर नहीं देना चाहते, ख़ास तौर पर जब कर का दर इतना अधिक हो या उनको अधिक लगे। तो इसमें जब हम वैध कारोबार से कोई भी चीज़ करते हैं और इसको हम घोषित नहीं करते, यानी अघोषित वैध आय को भी हम काले धन के रूप में देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि ये कर योग्य आय होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आय पर कर ही नहीं है, जैसे हमारे पास कृषि आय पर भारत में कर नहीं लगता है, तो अगर आप अपनी कृषि से संबंधित आय को घोषित नहीं करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, कारण क्योंकि वो कर उस पर लगना ही नहीं है, तो उसकी घोषणा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हाँ, लेकिन अगर कोई वैध कारोबार है, आप और कोई अन्य काम कर रहे हैं, आप दवाओं का कारोबार कर रहे हैं, आप ऑटोमोबाइल का कारोबार कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी तरह की, तो आपको अपनी आय यदि
हम लोग आयकर अधिनियम को देखें तो जो एक व्यक्तिगत करदाता है उसको 2,50,000 रुपए सालाना से अधिक आय होने पर अपनी आय खुद घोषित करनी होती है सरकार को, और उस पर जो भी दरें हैं आयकर अधिनियम में 10, 20 और 30% के हिसाब से कर हैं, और उस पर थोड़े उपकर और सेस भी लगते हैं, तो वो सब जोड़कर आपको कर अदा करने की एक जिम्मेदारी सरकार देती है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो सारा पैसा जो आपने कर योग्य कमाया है और उस पर कर अदा नहीं किया तो वो सारा काला धन माना जाएगा। तो दो तरह से हमने काले धन को परिभाषित किया, नंबर एक अवैध कारोबार से कमाया गया तमाम धन, नंबर दो वैध कारोबार से कमाया गया धन अगर वो कर योग्य था लेकिन उस पर आपने कर नहीं अदा किया। एक छोटा सा इसमें और भी मुद्दा है कि मान लेते हैं कि कर के अलावा जो और अन्य डिपार्टमेंट हैं सरकार के, जैसे प्रोविडेंट फंड का एक मुद्दा है, ईएसआई का एक मुद्दा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, तो कर्मचारी निधि जिनको बोलते हैं हम लोग, आजकल ईपीएफ के बारे में हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जेटली साहब ने कुछ परिवर्तन करने का प्रयास भी किया अभी हाल ही के बजट में। तो ये जो हमारे अन्य जो कानून है जिसके अंतर्गत व्यवसायी को अपने बारे में कुछ चीजें बतानी है, अपने कर्मचारियों की संख्या बतानी है, उनके लिए बीमा राशि को या अन्य राशियों को जोड़ना है, उनके लिए निधि बनानी है, अगर इससे भी लोग बचना चाहते हैं इस जिम्मेदारी से तब भी वो कुछ ना कुछ घोषणा कम करते हैं। तो इस मूल रूप से ये भी एक तरह का काला धन ही विकसित होगा। तो कर यानी टैक्सेशन और अन्य जो चीजें हैं जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह, मैंने कर्मचारी निधि का एग्जाम्पल दिया, इन सब को भी अगर आप ठीक से नहीं मेंटेन करेंगे तो आपको काला धन के रूप में एक मुद्रा प्राप्त होगी। तो दो चीजें हमने यहाँ पे स्टडी की, अवैध यानी कोई गलत तरह के कार्य से, और दूसरा वैध जिसमें हमने घोषणा ठीक नहीं की। काले धन को जब हम और थोड़ा सा ध्यान में स्टडी करें तो हमारे को तीन स्रोत इसमें दिखाई देते हैं। पहला स्रोत जो है, सबसे बड़ा स्रोत, वो हमारे देश में भ्रष्टाचार का है। हमारा देश क्या, जितने भी ऐसे देश हैं जहाँ जो अभी डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है, विकासशील देश हैं, वहाँ पे अधिकतर ऐसा देखा गया कि कानूनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन सब समस्याओं से देश गुजर रहे होते हैं, इसीलिए ही वो विकसित भी नहीं हुए होते। कारण भी यही होते हैं और परिणाम भी यही होते हैं मुख्य तौर पर। तो भ्रष्टाचार में हम लोगों ने अभी बहुत से घोटाले देखे हैं पीछे कुछ नामों में। मैं कोई राजनीति की क्लास नहीं ले रहा कि मैं आपको घोटालों के नामों को बड़ा चढ़ाकर बताऊं, लेकिन आपने बहुत से घोटालों के बारे में सुना है, और अभी ताज़ा ताज़ा तो जो अगुस्ता का जो केस चल रहा है, अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का केस चल रहा है, इससे पहले आपने कोलगेट घोटाले, 2G घोटाले, व्यापम घोटाला, ये सब घोटालों के बारे में आपने काफ़ी सुना। इसमें जितना भी पैसा कमाया गया उन लोगों द्वारा जिन्होंने ये घोटाले किए, वो सारा अवैध संपत्ति है, और उसको हम लोग काला धन कहेंगे, सबसे बड़ा स्रोत, क्योंकि व्यवसाय से 75,000 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोलगेट जैसे बड़े, या जो हमारे टेलीकॉम के जो बड़े बड़े इस तरह के जो ऑक्शंस वगैरह होती हैं, उसमें आप देखते हैं कि मंत्री और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके पास काफ़ी अथॉरिटी होती है, और उसका दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। तो यहाँ बहुत सारे काले धन की उत्पत्ति होती है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं, भ्रष्टाचार के बाद जो दूसरा मुद्दा है वो हमारा, अभी जो हमने बात किया अवैध कारोबार, तो अवैध कारोबार में अब बहुत सारे अन्य कारोबार हमने जो अभी बातचीत किया, इसमें हथियार भी आ जाएंगे, इसमें नशीले पदार्थ भी आ जाएंगे, इसमें तस्करी भी आ जाएगी किसी भी चीज की, और इसमें जालसाजी आ सकती है, किसी भी तरह की फ्रॉड आ सकता है। हम लोग जो स्टॉक मार्केट में जो घोटाले सुनते हैं वो भी आएंगे, मानव तस्करी भी आ सकती है, और इसमें हम लोग
जो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा मैंने आपके साथ अभी चर्चा किया, जिसका आतंकवाद का जो वित्तीयन हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी बड़ी जो आतंकवादी संगठन बन गई हैं वो अपने आप को राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए नशीले पदार्थों का और कच्चे तेल का तस्करी कर बहुत पैसा बनाकर उसको गलत प्रयोग में लगाती हैं। वो सारा का सारा काला धन है। और तीसरा जो मुख्य स्रोत हम लोग यहाँ कर सकते हैं वो है कारोबार संबंधी। कारोबार संबंधी जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें एक सही व्यवसाय को आप करते हुए कानून का पूरा पालन न कर रहे, कोई उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को इसमें कवर करनी होगी। मान लेते हैं कि आपके व्यवसाय पर कोई कानून लगता है और आप उस कानून का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, तो उस व्यवसाय से फिर कमाया गया धन कहीं ना कहीं आपको छुपा के रखना होगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस कारोबार से ये पैसा कमा रहा हूँ, तो आपको वो सारे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक हो जाएगा। तो इसमें अधिकतर लोग किस तरह से करते हैं, आइए इसको एक एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कोई भी जो हमारा व्यवसायी है वो एक अपना लाभ हानि का खाता अपने बनाएगा, जिसको हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें वो अपने लाभ को और अपना कोई भी खर्च है उसको सरकार को बताता है, और इसके ऊपर ही उसको अपने कर की अदायगी करनी होती है। तो अधिकतर जो आगम होते हैं, जिनको हम लोग अंग्रेजी में रेवेन्यूज बोलते हैं, वो दाएं हाथ पर दिखाते हैं, और जो खर्च होते हैं जिनको हम व्यय बोलते हैं, या लागत भी आप यहाँ पर ले सकते हैं एक्सपेंसेस, वो हम लोग बाएं हाथ पे दिखाते हैं। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो मान लीजिए कि आपको कोई रेवेन्यू, जो कर योग्य रेवेन्यू है, आगम है, उसकी प्राप्ति होती है, तो आप पूरा अगर उसको दिखाएंगे तो आपको ज्यादा कर देना होगा। तो लोग क्या करेंगे, इस साइड को कम कर देंगे, इस तरफ जो संख्याएं नंबर या जो राशि आपको लिखने है इसको घटा कर दिखाएंगे। ये कैसे संभव है? मान लीजिए किसी ने 100 रुपए का माल बेचा, अब 100 रुपए पे उसको 30 रुपए कर देना है, तो उसकी आय 70 रह जाती है। तो वो भाई साहब क्या करेंगे कि 100 में से जो बिल बनाएंगे वो पूरे 100 का बिल ना बना के वो 10 ही का बिल बना देंगे, और 90 वाला जो सामान है वो बिना बिल के बेच देंगे। तो अब उनको जो कर लगेगा वो सिर्फ 3 रुपए लगेगा, और ये वाला जो राशि है 7 रुपए, और ये जो 90 है ये पूरा 97 रुपए उनकी इनकम हो जाएगी। तो अगर 70 की जगह किसी को 97 रुपए कमाने को मौका मिल रहा है, तो फिर वहां पर वो एथिक्स का कोई पालन नहीं करेगा और वो कानून का उल्लंघन करेगा। और जब भ्रष्टाचार हो, मान लीजिए कर विभाग के कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार हो, तो सरकार के लिए ये असंभव हो जाएगा इन दोनों के नेक्सस को तोड़ना। क्योंकि ये मिलजुल कर जब व्यवसायी और हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए इसको पकड़ना। दूसरी ओर हम लोग खर्चों को बढ़ा कर दिखाएंगे। खर्चों को बढ़ाकर दिखाने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी को 100 रुपए का कुछ पेमेंट कर रहे हैं किसी खर्च पर, तो हम उसको 200 रुपया दिखा सकते हैं और उससे 100 रुपया वापस ले सकते हैं। बहुत से छोटी कंपनियों में, असंगठित उद्योग में, कर्मचारियों का वेतन कागजों में दिखाया जाता है 30,000-40,000, क्योंकि एक न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड भी आपको कुछ कानून का पालन करना है। तो आप क्या करेंगे, वहां दिखाएंगे कि हम ज्यादा पैसा देते हैं अपने कर्मचारी को, और चेक के माध्यम से हम लोग ज्यादा उनको पेमेंट करेंगे, लेकिन कुछ पैसा उनसे वापस ले लेंगे क्योंकि उनको हमने कम तनख्वाह पर रखा हुआ है। यानी एक्चुअल तनख्वाह है 10,000, लेकिन किताबों में दिखाया जाएगा 20,000 या 25,000, और बाकी पैसा कैश में वापस लिया जाएगा। तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दिया कि अगर हम अपने रेवेन्यू को घटा के और खर्चों को बढ़ाकर शो करेंगे, तो जो हमारा लाभ का जो फिगर आता है वो हमारा ओवरऑल बहुत कम हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, बहुत से व्यवसायी
जो कमाते तो हैं 1 लाख रुपए महीने में, लेकिन वो सरकार को यही दिखाते हैं कि हमारे खातों में सिर्फ 10,000 रुपए ही है, तो आप कृपया 10,000 पर हमसे कर ले लें। अब जो बाकी जो पैसा उन्होंने नहीं दिखाया वो सारा का सारा काला धन के रूप में अर्जित होगा और उसको वो काले रूप में ही खर्च करेंगे, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में आप उसको नहीं लेकर जाएंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग का यूज़ नहीं करेंगे, आप किसी और तरीके से कैश में कमाकर उसको कैश में खर्च करेंगे, तो सरकार के लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा एक एक आपके लेन देन का हिसाब रखना और उस पर कर लेना। और क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा समस्या है, तो सरकारी विभाग के कुछ कर्मचारी इतनी बड़ी जनसंख्या पर बराबर हिसाब किताब रखने में सक्षम नहीं है, तो इसीलिए ये समस्या और गंभीर हो जाती है। तो आगे बढ़कर हम लोग अब काले धन का, आपने जो मुख्य उदाहरण है वो समझ लिया, तो काले धन का परिभाषा और मैंने 3 स्रोत के बारे में आपके साथ चर्चा की, मेरा ख्याल है आपको समझ में आया। कारोबार वाले पर मैं आपको कुछ और छोटी छोटी बातें बता दूं कि यहाँ पर एक शब्द हम यूज करते हैं, मिथ्या प्रलेखीकरण। मिथ्या प्रलेखीकरण का मतलब सिंपल हम लोग बोल रहे हैं फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अपने खातों को हम लोग गलत तरीके से बना रहे हैं और सरकार को गलत सूचनाओं का लेखा जोखा दे रहे हैं, जिसमें हम लोग मिथ्या बीजांकन की बात भी कर सकते हैं। बीजांकन का मतलब यहाँ बिलिंग से है, यानी कि हम लोग जो भी बिल्स बनाएंगे, जो भी हम लोग हर चीज का एक बिल बना के अपने ग्राहक को देते हैं वो अलग होगा, सरकार को हम अलग सूचना देंगे। बनावटी लेन देन करेंगे, यानी बहुत से ऐसे हम लोग खर्च दिखाएंगे जो हमने कभी किए ही नहीं है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारे खाते हैं उनमें हम उन खर्चों को बुक कर कर उनके पेमेंट लेकर चेक से और कैश में एडजस्ट कर कर उसको दिखाएंगे। तो ये सारा का सारा अकाउंट्स यानी खातों से संबंधित छेड़छाड़ करने से कारोबार संबंधित हमारा काला धन की उत्पत्ति होती है। कारण क्या है कि अवैध रूप से कार्य करें तो हम सरकार को कुछ भी नहीं दिखा रहे, अगर हम वैध रूप से कार्य करें तो हम अगर हम सब कुछ ठीक से ही सरकार को दिखाएंगे तो उसमें कोई अवैध का मतलब नहीं है। तो बीच का एक रास्ता है कि हम कमा तो रहे हैं अवैध तरीके से लेकिन प्रस्तुत अवैध तरीके से कर रहे हैं, तो ये एक मुख्य यहाँ पर स्रोत बन जाता है काले धन का। तो 3 बातें हमने यहाँ पर की चर्चा की, एक हमने बात किया छुपाने से संबंधित, प्रलेखीकरण से संबंधित जो कि वैध स्रोत के बारे में है, और दूसरा हमने अवैध के बारे में बात किया, तो हमने भ्रष्टाचार को अलग रखा क्योंकि वो एक बड़ा है, हालांकि वो भी एक तरह का क्राइम है तो अपराध में तो वो भी आएगा। तो 2 भाग बनाना चाहें तो अपराध और मिथ्या प्रलेखीकरण को 2 भाग में बांट सकते हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आयकर अधिनियम के अनुसार आपको अपने खाते भी ठीक रखने हैं, तो यह भी एक अपराध ही है कि आपने अपने खातों को ठीक से नहीं रखा हुआ। तो अगर एक ही मुद्दा लेके चलें तो सब कुछ को हम लोग क्राइम या अपराध में ला सकते हैं। तो यानी कि काले धन का सीधा सीधा संबंध के कोई ना कोई अपराध ऐसा आपसे हुआ है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा कानून है जिसका उल्लंघन हुआ है, उसकी वजह से काले धन की उत्पत्ति होती है। तो ये हमारा पहला जो मुद्दा है, काले धन की परिभाषा क्या है और काले धन के स्रोत क्या हैं, तो इनको आपने अभी समझा। अब इसके बाद हम लोग काले धन के मुख्य कारण क्या हैं इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा चर्चा करते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे देश में काला धन 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, अलग अलग जो लोग हैं उनके अलग अलग मत हैं इसमें, इतने बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी राशि में काला धन आने के मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण तो वही है जो हमने स्रोत के रूप में अभी जिसको हमने स्टडी किया वो है भ्रष्टाचार। अगर किसी भी देश में जो कानूनी जो विभागों में लोग कार्यरत हैं, कर विभाग में जो लोग कार्यरत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग कार्यरत हैं, हमारा जो राजनीतिक टोटल जो लोग हैं, इन सब लोगों में अगर
हमारा भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है, तो इससे काले धन का काफ़ी बड़ा एक राशि हर साल अर्थव्यवस्था में आ जाता है। तो भ्रष्टाचार एक मुख्य कारण है जिसको हम लोग काले धन के मुख्य स्रोत के रूप में पहले देख चुके हैं। दूसरा है कि जो सरकारी मशीनें हैं हमारी, सरकारी मशीनरी का मतलब वही है जो सरकारी तंत्र है हमारा सारा, जिसमें तमाम कर्मचारी लोग आ रहे हैं, उसकी अपारदर्शिता है। यानी कि हम लोगों को मालूम नहीं है कि वो क्या काम करते हैं, हम उनके काम को नहीं देख सकते, वो लोग कहाँ पर भ्रष्ट हो जाते हैं हम लोग नहीं देख सकते, हम उनका जो दैनिक गतिविधियां हैं उनको किसी तरीके से मॉनिटर नहीं कर सकते। तो उनके पास जहाँ पर भी थोड़ा सा भी अपनी फ्रीडम होगी काम करने की, वहाँ पर उसका दुरुपयोग कर कर वो अपने अधिकारों के दुरुपयोग से काला धन अर्जित कर लेंगे। और नैतिकता का ह्रास तो हमारे समाज में है ही, इसको मैं अलग से भी लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर अगर मैं पब्लिक डोमेन से हटकर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर सीमित रहूं, तो वहाँ नैतिकता की ज़्यादा आवश्यकता भी है। सरकारी और जो हमारा प्रोफेशनल सिस्टम है, जो हमारे वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर हम लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नैतिकता का एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। तो नैतिकता का अभाव दोनों क्षेत्र में, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित भी मैं बोलूँगा और आम जनता के बारे में भी बोलूँगा, जहाँ जहाँ पर नैतिकता का ह्रास है या अभाव है, उन समाज में काले धन का बहुत ज़्यादा अपने आप ही बढ़ जाता है जो मात्रा है उसकी। उच्च कर दरें एक अन्य कारण हो सकता है। हमारे देश को हम लोग गरीब देश मानते हैं, जहाँ पे एक बड़ी जनसंख्या जो है गरीबी से त्रस्त है, बिलो पॉवर्टी लाइन जनसंख्या बहुत सारी है, तो अब अगर हम उनके ऊपर कर लगाते हैं तो और गरीब हो जाएंगे, पहले ही वो बहुत गरीब हैं। और जो हमारा मध्यम वर्गीय आय समूह के लोग हैं, जिनका एक मतलब औसत जो आय है उनके औसत खर्च के आसपास ही है, या कभी कभी व्यय ज़्यादा हो गए हैं, उन पर और कर लगाने से भी उनको काफ़ी कष्ट होता है। तो ये पूरा तमाम 50-60% या इससे ज़्यादा जनसंख्या को हम लोग देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा कर नहीं लगा सकते। और जहाँ पर इनके पास थोड़ा सा भी अपने अकाउंट्स को, लेन देनों को छुपाने का प्रयोजन अगर कहीं भी संभव हो, तो ये लोग अपने कमाई, गाढ़ी कमाई जो कहते हैं ये लोग, उसका कुछ बड़ा हिस्सा सरकार को देने के किसी तरीके से मूड में तो नहीं रहते। तो उच्च कर दरें और जो हमारी कर प्रणाली है वो थोड़ी सी कठिन भी है, वो आम आदमी की समझ से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर जो वित्तीय साक्षरता है वो काफ़ी कम है। तो ये जो बहुत कठिन कर प्रणाली है, इसकी वजह से भी लोग कर देने से या कर प्रणाली में आने से थोड़ा डरते हैं, हिचकिचाते हैं, और फिर जो वो पैसा कमाते हैं वो सारा का सारा काला धन के रूप में ही अर्जित हो जाता है। तो ये जो व्यापक निरक्षरता है इसमें, मतलब ख़ास तौर पर मैं वित्तीय के बारे में यहाँ बोल रहा हूँ, वैसे तो निरक्षरता तो आप जानते ही हैं कि पूरा देश में हर क्षेत्र में भी दिखाई देगी, तो वित्तीय निरक्षरता के लिए ज़्यादा हम लोग यहाँ बात करेंगे। ये लोग जो हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कर प्रणाली जैसी चीज़ों से बाहर हैं, और इनसे जो भी पैसा कमा के जो भी ये लाते हैं वो एक तरह से काला धन अपने आप बन जाता है। कानून से भय भी हमारे देश में काफ़ी कम है। आमतौर पर आप देखते हैं कि जो लोग किसी भी तरह के राजनीतिक बल का उपयोग कर कर, या मैं कहूँगा दुरुपयोग कर कर, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बहुत से इस तरह के आपको रोज़ सुनाई दे जाते हैं अलग अलग, के लोगों को कानून का डर नहीं है। तो कानून के डर का भी यहाँ पे ह्रास हो गया है, और आमतौर पर लोगों को लगता है कि कुछ भी कर लीजिए और जब फंस जाएं तो पैसा दे के छूट जाइए,
तो लोग कर से कर कानून से भी नहीं डरते, और उससे जो पैसा फिर जो अन होगा वो सारा का सारा काला धन बन जाएगा। तो ये कुछ मैंने मुख्य मुद्दे यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए। अब इनको हम लोग अगर हम साथ साथ लेके चलें तो हमें ये मालूम चलेगा कि इतने सब कारणों को अगर हम एक तरफ रखें तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या दुष्प्रभाव या प्रभाव पड़ते हैं। तो मैं अब अगले चरण में आपके साथ ये चर्चा करूंगा कि काले धन से हमारे देश में या एक किसी भी देश के बारे में बात करें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो एक चर्चा हम लोग बार बार करते हैं वो है कि काले धन के कारण एक काली अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। काली को हम लोग वैसे प्रतिछाया अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अगर ये आपको आसान शब्द लगे। शैडो इकोनॉमी अंग्रेजी में बोला जाता है, इसीलिए प्रतिछाया। काली अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, और काली अर्थव्यवस्था बहुत ही एक अलग तरह का एक समांतर चलने वाला तंत्र है जो हमारे देश में जितने भी क्रिमिनल्स हैं और जितने भी लोग जो किसी भी तरह का काला धन कमाते हैं उन सब के योग फल से बनती है। तो ये एक साथ साथ चलने वाली एक निरंतर और समांतर अर्थव्यवस्था है। तो ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हम लोग काले धन का गिनते हैं। इसके बाद जो हमारे देश में गैर उत्पादकीय निवेश में वृद्धि हो जाती है, जब आप कोई भी पैसा सही स्रोत से कमाएंगे, उसको सही से लेखा जोखा करेंगे, तो उसका आप निवेश भी सही प्रकार से करेंगे। लेकिन जहां पर आपका पैसा गलत स्रोत से आया है तो फिर उसका निवेश भी गलत स्रोत में होगा, जिससे आगे आने वाले समय के उत्पादन पर भी उसका दुष्प्रभाव सीधा सीधा दिखाई देगा। तो हमारा जो निवेश है वो दूसरे दिशा में चला जाएगा, और इसकी वजह से आम तौर पर जो जो सफेद अर्थव्यवस्था हमारी सही अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जो दिखावटी वस्तुएं हैं उनका उपभोग बढ़ जाएगा। इनका उपभोग बढ़ जाएगा क्योंकि काले धन से कमाया गया पैसा कोई आदमी धर्म कर्म के कार्य में यूज तो करेगा नहीं, उसका प्रयोग दिखावटी चीजों में, बड़ी बड़ी जो कारें हैं, बड़े बड़े मकान हैं, इन सब में लगेगा, जिसका हमारे देश को या हमारे समाज को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा जबकि नुकसान होगा। और वो नुकसान जिसको हम बोलते हैं वो है कि हमारे देश में आर्थिक विषमता और बढ़ जाएगी। आर्थिक विषमता एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी विकासशील देश के लिए। तो काले धन की वजह से अमीर और अमीर बन जाता है और गरीब तो और गरीब हो जाता है, तो इस वजह से जो विषमता है वो दिन ब दिन और बढ़ती चली जाती है। जो देश की संपत्तियां हैं उसका हस्तांतरण बाहर हो जाता है, जैसा कि आप आजकल सुनते हैं कि बहुत से राजनेता पर यह अभियोग है कि उन्होंने अपना पैसा जो है स्विस बैंकों में रखा हुआ है। तो विदेशों में जो हमारी संपत्ति चली गई है 15 लाख करोड़ का भी उसमें अनुमान आया हुआ है, तो अगर 15 लाख करोड़ को हम लोग भारत में वापस लाने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर उस केस में हम लोगों को अपने विकास में लाने के लिए बहुत बड़ी एक राशि मिल जाती है। इसीलिए हमारी जो वर्तमान सरकार है उसके कई इस तरह के प्रयास दिखाई दे रहे हैं जिसमें काले धन के लिए वो कमिटेड दिखाई देने की कोशिश कर रही है। आगे तो वक्त ही बताएगा कि कितना काला धन हम विदेशों से ला पाते हैं। अपराध को बढ़ावा मिलता है, अगला हमारा एक मुख्य बिंदु यहाँ, क्योंकि जब काला धन जो है वो आपको
जो क्रिमिनल हैं उनके पास जाएगा, अपराधियों के पास जाएगा, तो वो और सक्षम हो जाएंगे अपराध करने के लिए। इसलिए अपराध को एक बहुत बड़ा बढ़ावा हमें मिलेगा। कर राजस्व में हानि होगी और जिसकी वजह से हमारा आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो काला धन एक बड़ा व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में और हमारी अर्थव्यवस्था में लेकर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसके बहुत से दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं और इस वजह से इस समस्या का अधिक से अधिक बल लगाकर जल्द से जल्द हमें इस समस्या का निदान करना अति आवश्यक हो जाता है। तो मैं अब अगली बिंदु पर चर्चा प्रारंभ करता हूँ। इसी संबंधित एक मुद्दा हमारे पास है जिसको हम लोग मुद्रा शोधन कहते हैं, प्रक्षालन भी कहते हैं, एक कम प्रचलित शब्द है प्रक्षालन, मुद्रा शोधन ज्यादा प्रचलित है। तो मुद्रा शोधन की जो समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग बहुत से प्रयास कर रहे हैं। और सरकार के बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स आपने दिखाई दिए हैं आपको, जिसमें सरकार इस तरह से जो काले धन को सफ़ेद धन बनाने की प्रक्रिया है उसको रोकने का प्रयास करती है। तो पहले इसकी परिभाषा को ज़रा समझ लें कि मुद्रा शोधन क्या है। देखिए, जब हम काले धन को कमाते हैं किसी स्रोत से तो हम उस काले धन को प्रयोग नहीं कर पाते। प्रयोग करने के लिए हमें उसको एक सफ़ेद रूप देना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग या इसी प्रयास को हम लोग मुद्रा शोधन या मुद्रा प्रक्षालन बोल देते हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्रयास है जिसके अंतर्गत मैं प्रक्रिया शब्द का कम यहाँ प्रयोग करता हूँ, क्योंकि यदि सरकार ये किसी तरीके से जान ले कि आपने अपने काले धन को सफ़ेद किया है तो वो वापस उसको काला धन मानकर आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसलिए मैं इसको प्रक्रिया नहीं बोल, प्रक्रिया तब है जब आप अपने कार्य में सफल हो गए। यहाँ पे तो एक आंशिक रूप से सफलता आपको मिल रही है, पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल रही, इसलिए मैं शब्द यूज करूँगा प्रयास। तो ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें काले धन को हम लोग बनावटी लेन देन के माध्यम से सफ़ेद बनाकर उसका प्रयोग करते हैं और कुछ समय तक हम इसको सफलतापूर्वक कर पाते हैं। लेकिन दीर्घकालीन अगर हम इसका परिणाम देखते हैं तो सरकार कभी भी, जब आपके सारे के सारे आंकड़ों को और जो भी आपकी कार्यवाही है, जो भी आपके लेन देन है, उनको अगर ठीक से इन्वेस्टिगेट करेगी तो पकड़ा जा सकता है और उस कारण से आपको सारे के सारे जो मामले हैं जिनके अंदर बुक किया जा सकता है, जो भी आपराधिक मामले जिनसे काले धन को कमाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक प्रयास है। अब इस प्रयास में अगर हमें समझना हो तो हम इसको एक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं कि इस प्रयास में करना क्या क्या होगा। तो आम इंसान को अगर काले धन को सफेद बनाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले उसको अपने काले धन को किसी बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा। तो इसको हम लोग स्थापन बोलते हैं। अगर मैं अंग्रेजी का शब्द दूं तो प्लेसमेंट है ये। यहां पर हम लोग एक बड़े राशि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किसी बैंक या कोई और इस तरह का जो वित्तीय संस्था है उसमें हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो पैसा बहुत बड़ा पैसा है वो छोटे 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 उसमें विभाजित हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये पैसा वाइट मनी यानी सफेद धन है। और अगर आप सारे के सारे पैसे को इकट्ठा बैंक में जमा कराते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहीं ना कहीं किसी स्रोत से गलत स्रोत से ना आया हो। तो बड़े पैसे को छुपाने के लिए आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और उसको बैंक में जमा कराएंगे। एक इसका दूसरा भी विकल्प आपके पास उपलब्ध है, उसको हम लोग हवाला बोलते हैं।
हवाला माध्यम जो है वो एक बड़े राशि को किसी विदेश में दूसरे किसी जो हमारे करमुक्त क्षेत्र होते हैं उसमें हस्तांतरित करने से संबंधित है। हवाला मतलब किसी के हवाले से भेजना, यानी कि आपके पास काला धन है, आप उसको अपने देश में रखेंगे तो पकड़े जाने का भय है, कभी भी पकड़े जा सकते हैं। आपने उसको सफ़ेद बना लिया तब भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में कहीं पकड़े जाएं। तो लोग क्या करते हैं, उसको विदेशी खातों में, जैसे हम लोग स्विट्जरलैंड बैंक की बात करते हैं, स्विस बैंक खाते, या अभी हमने पनामा लीक्स के बारे में, हमने पनामा द्वीप समूह के बारे में पढ़ा पीछे कुछ दिनों में, जिसमें अच्छे अच्छे नामी लोगों का जिक्र आया। और जो मॉरिशस जैसे देश हैं जहाँ पर, जहाँ से बहुत सारी विदेशी निवेश हमारे को आती है, उसके बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी चर्चित चीज़ें और काफ़ी रुचिकर चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं कि यहाँ से पैसा वहाँ जाता है, फिर वहाँ से लोन के या निवेश के रूप में वापस आता है। तो ये सारा राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं इसको, कि लोग अपने पैसे को गोल गोल घुमा रहे हैं। तो पहले ये पैसा विदेश में जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग हवाला माध्यम से भेजना। बैंकिंग के अलावा आप किसी माध्यम से भेजते हैं तो उसको हम लोग हवाला बोल देते हैं, यानी कि गैर कानूनी माध्यम से पैसे को भेजना। बस हवाला मीन्स गैर कानूनी चैनल यानी माध्यम से पैसे को बाहर भेजना। बाहर जाने के बाद वहां पर आप विदेशी बैंकों में उस पैसे को जमा कर सकते हैं। तो मकसद हमारा है कि किसी बैंक में वो चीज स्थापित हो जाए, स्थापन हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है प्रतिकरण। प्रतिकरण को हम लोग अंग्रेजी में लेयरिंग लिखते हैं। प्रतिकरण में हम क्या करेंगे, जो पैसा हमने बाहर भेजा है वो फेक कंपनीज या शेल कंपनीज के माध्यम से अलग अलग खातों में घुमाया जाएगा। एक खाते में पैसा नहीं रखेंगे, उसको स्रोत से दूर ले जाएंगे और जो हमारा लेन देन है उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे ताकि वो सरकार को समझ में ही नहीं आए कि वो पैसा स्रोत क्या था और वो कहां तक पहुंच गया। बहुत सी कंपनियों के लेन देन के माध्यम से पैसे को कई अकाउंट्स में, कई खातों में घुमा दिया जाता है, तो प्रतिकरण से वो चीज कठिन हो जाएगी। तीसरा जो इसके अंदर हम लोग स्टेप देखते हैं प्लेसमेंट और लेयरिंग के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं कि हमने जोड़ दिया उसका एक जो सफेद धन के रूप में एकीकरण कर दिया उसका, तो उसको इंटीग्रेशन वर्ड से हम लोग परिभाषित करते हैं। एकीकरण का मतलब हमने सफेद धन और काले धन को एक ही रूप में एकीकृत करके एक ही जगह रख दिया। अब जब वो मिक्स हो गया, जैसे दूध पानी आपने मिक्स कर दिया, तो उसको अलग अलग करना काफी कठिन हो जाता है। तो एकीकरण, इंटीग्रेशन लास्ट तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है, जिसके अंतर्गत हम लोग काले और सफेद धन को मिलाकर पूरे के पूरे को सफेद मानकर प्रयोग करते हैं। जब पानी दूध में मिल जाता है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारा दूध ही है, इसीलिए हम लोग उसको शोधन प्रक्रिया भी बोल रहे हैं। तो तीन बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैंने बताया स्थापन करना, यानी बैंकों में पैसे को पहुंचाना, छोटी छोटी राशियों में कीजिए इसको, बड़ा करेंगे तो दिखाई देगा। और किसी भी खाते में अगर एक साल में 10 लाख से ज्यादा जमा होते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सरकार उसके लिए काफी बड़ा एक सिस्टम बना के रखी हुई है। तो छोटे छोटे अमाउंट्स में अलग अलग अकाउंट्स में जमा किया जाता है, बहुत से खातों में किया जाता है, छोटे छोटे इकाइयों में बांटकर। दूसरा प्रतिकरण है, जिसमें हम बहुत सी परतें लगाते हैं एक के ऊपर एक और कठिन कर देते हैं उसके ट्रेल को ढूंढना, जो भी काले धन का स्रोत है और जो उसका डेस्टिनेशन है उनके बीच में बहुत दूरी रख देते हैं और फिर उसको वापस लाते हैं। मैंने राउंड ट्रिपिंग एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, तो राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से या विदेशों से ऋण मैंने बताया या विदेशों से निवेश के रूप में बताया, वो पैसा वापस आता है। तो ये तीन स्टेप थे, स्थापन, भर्तीकरण और एकीकरण, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तीनों को आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो इसको हम लोग मुद्रा शोधन बोलेंगे। तो मैंने आपको काले धन के तीन मुख्य स्रोत बताए, अपराध बताया मैंने आपको, भ्रष्टाचार बताया और एक मैंने आपको मिथ्या प्रलेखीकरण के बारे में बताया, यानी व्यापार। व्यापार में भी गलत तरीके से प्रस्तुत करना काले धन को उत्पन्न करता है। और यहां पर भी मैंने आपको तीन चीजें बताई,
पहला बताया आपको स्थापन, दूसरा प्रतिकरण और तीसरा एकीकरण। तो ये कुल मिलाकर आपके पास एक व्यवस्थित आंसर, एक व्यवस्थित उत्तर के रूप में काले धन की परिभाषा और मुद्रा शोधन की परिभाषा इस डोमेन से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस समस्या से निपटा कैसा जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से प्रयास किए गए पिछले कुछ सालों में, जिससे बहुत सी सरकारों की, विकसित और विकासशील देशों की सरकारों की एक प्रतिबद्धता इसमें दिखाई दी कि वो लोग काले धन के बारे में सजग हैं और प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहले मैं वर्ष 1985 की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, सबसे पहले उसने एक बीड़ा उठाया कि काले धन को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा माना। काला धन और उससे संबंधित जो मैंने बोला था आपको, आतंकवाद का एक वित्तीयन होता है, यानी कि टेररिस्ट को हम लोग फाइनेंस करने के लिए, जैसे अफगानिस्तान के बारे में आपने पढ़ा, सीरिया के बारे में आपने पढ़ा, या आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे ड्रग्स की खेती होती है, अवैध जो नशीले पदार्थ हैं, और कच्चे तेल की तस्करी होती है सीरिया वगैरह में। ISIS के बारे में भी आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ी जो आतंकवादी संगठन है, उनकी वित्तीयन, उनकी फाइनेंसिंग करने के स्रोत उजागर होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती है कि अगर इनका वित्तीयन रुकेगा तो फिर आतंकवाद भी रुकेगा, क्योंकि उसको भी चलाने के लिए आपको इतना हथियार और इतना सब चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र ने ये, देखिए 1985 की बात हम लोग कर रहे हैं, कितनी पुरानी बात है, कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, तो इसलिए इनका निवारण भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। और इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि देश आपस में मिलके सहयोग करके इसका कोई रास्ता ढूंढें, एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान हो, मिलजुल कर प्रयास किए जाएं, तभी इस समस्याओं को हम लोग हल कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा प्रमुख बिंदु यहाँ पर, प्रमुख चरण इस दिशा में माना गया। इसके बाद अगर मैं 1988 का जिक्र करूं, तो हमारे पास बेसल नाम की एक स्थान है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर एक बेसल कमिटी है जो हमारे लिए बेसल मानक घोषित करती है। उसका नाम है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यानी कि बैंकों की कार्यशैली को देखने के लिए, उससे रिलेटेड मानक बनाने के लिए वो प्रयास करती है। और उन्होंने अभी बेसल मानक 1, 2 और 3, तीन सीरीज के उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड, जिनको हम लोग बोलते हैं, वो घोषित किए हैं, और भारत ने इनको फॉलो किया है। 1 और 2 हम लोग फॉलो कर चुके हैं, 3 पे हम लोग कार्य कर रहे हैं आजकल। इसमें ग्राहकों से संबंधित, और अगर मान लो ग्राहक काला धन जमा करा रहे हैं, तो उनसे संबंधित भी कुछ ना कुछ बिंदु हैं जो बेसल कमेटी ने बताए हैं। यानी कि अगर कोई जो हमारा क्रिमिनल है, अपराधी है, वो काले धन को बैंक में जमा कराता है, तो बैंक को सबसे पहले इसका अंदेशा होना चाहिए कि ये काला धन है, और बैंक को उस संबंध में कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य रूप में करना चाहिए। और बेसल मानक इस चीज के बारे में पूरा का पूरा एक प्रक्रिया के रूप में बैंकों को मानक दे रहे हैं। तो इसको हम लोग, ये भी काफी पुरानी बात हो गई, 1988 से मैं बात कर रहा हूं। तो और अगले ही वर्ष में हम लोगों ने एक वित्तीय कार्य दल का गठन किया, अंग्रेजी में इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसीलिए हम इसको FATF संक्षिप्त में बोलते हैं। ये हमारा एक इंटरपोल जैसी संस्था है, जो अंतर सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अलग अलग जो देश हैं उनकी सरकारें इसकी मेंबर हैं, जैसे हम लोग भी, भारत सरकार भी इसकी एक मेंबर है, सदस्य है।
हमने 2010 में इसकी सदस्यता प्राप्त की, 34वें सदस्य हम बने और इसकी पूरी की पूरी जो कार्यशैली है उसमें हम लोग भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सहयोग भी देते हैं, सहयोग लेते भी हैं, अपनी सूचनाएं उनको देते हैं, उनसे जो हमें सूचनाएं आती हैं उनको हम लोग ग्रहित करते हैं। तो ये काफ़ी एक बड़े लेवल पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी समय से किया जा रहा है और इसने काफ़ी कार्य भी किए हैं। इन्होंने हमारे को करीब करीब 50 ऐसी सुझाव दिए हैं, 49 सुझाव ऐसे दिए हैं जिसमें से 40 सुझाव उन्होंने दिए हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि मुद्रा प्रक्षालन को रोकने से संबंधित, और 9 सुझाव उन्होंने दिए हैं कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी कि जो मैंने आतंकवाद वित्तीयन की बात की उसको रोकने के लिए। तो ये दो ऐसे टर्म हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको अंग्रेजी में बताए। एक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मुद्रा प्रक्षालन को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट काम करना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और एक कॉम्बैट यानी रोकना फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के वित्तीयन को रोकना। तो ये दो चीजें मिलाकर FATF इसमें कार्यरत है और इसमें मैंने आपको बताया कि 40 सुझाव उनके आ चुके हैं AML से रिलेटेड और 9 सुझाव आ चुके हैं CFT से रिलेटेड। तो ये काफी अच्छा एक प्रयास है और इसी के साथ में बहुत से सहयोग के संगठन 1990 के दशक में और 95 से, तो खास तौर पर अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो बहुत से सहयोग संगठन बनाए गए जिसके अंतर्गत एक छोटे स्थान पर एक छोटे क्षेत्र में जो देश आपस में एक दूसरे को सहयोग करने को राजी हुए। इनमें से कुछ कुछ नाम है, ये सब अंग्रेजी के ही नाम है तो मुझे अंग्रेजी में लिखना होगा। इसमें एगमोंट ग्रुप है, एशिया पैसिफिक ग्रुप है, यूरेशिया है, हम लोग G7 ब्रिक्स समिट ये सब सुनते हैं, G20 समिट होती हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत से देशों में जाते हैं तो वहाँ पे आतंकवाद के बारे में बात करते हैं। उसी से रिलेटेड ये भी एक मुद्दा है जिस पे सहयोग के लिए सिग्नेचर होते हैं। 90 देशों से हम लोग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी दोहरा कराधान संबंधित समझौते कर चुके हैं और उसी के अंतर्गत हमारे टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स भी हैं यानी कि जो कर सूचनाएं हैं उनके आदान प्रदान, और कर सूचनाओं के आदान प्रदान से यानी उसमें थोड़ा सा पारदर्शिता आने से हम लोग काले धन को पकड़ सकते हैं कि काला धन कहाँ है। तो ये हमारे क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये मैंने क्षेत्रीय लेवल पर भी आपको बताया कार्यरत हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने आपको बताया ये कार्यरत हैं। तो बहुत सी संस्थाएं इसके लिए कार्य कर रही हैं। तो ये एक बड़ा एक आपको व्यू दिखाई दिया। अब आखिरी जो हमारा मुद्दा है और उस पर मैं इस छोटी सी जो चर्चा है उसको विराम दूंगा, वो है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हमने कोई प्रयास किया है। मालूम नहीं कि आप लोग इसको पढ़ते हैं समझते हैं कि नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार ने बहुत अच्छा इसके अंदर अपना कमिटमेंट यानी कि अपना दिखाया है कि हाँ हम लोग इसमें प्रतिबद्ध हैं, कुछ करना चाहते हैं। 5 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार का इसमें चल रहा है, उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं हमारी और संगठन हैं उनकी हम सदस्यता और उसमें हम लोग कार्यरत भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदस्यता ही लेनी है, उसमें हम लोग बहुत ही एक्टिव यानी कि हम लोग बहुत सजग रूप में उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हम उनके साथ सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक बड़े अपराधी की कुछ संपत्ति को दुबई में कुर्क करने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे, पिछले माह की बात है। तो ये सब आप जब खबरें पढ़ते हो तो काला धन, मुद्रा प्रक्षालन
और सरकार की जो नीतियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जो कुछ हो रहा है आपको ये सब दिखाई देगा, और आप उन न्यूज़ को मानकर अपने मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, उनको भी बीच में आप उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा ये था कि क्या हम लोग दूसरे देशों की मदद ले सकते हैं, क्या हम दूसरे देशों की मदद से इस समस्याओं को हल कर सकते हैं, और हमने बताया कि हाँ हमारी कमिटमेंट है, हम लोग इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मुहिम चल रही है उसमें कार्य करेंगे। दूसरा जो मुद्दा है यहाँ पर वो है कि एक औचित्यपूर्ण कानूनी रूपरेखा का निर्माण हमें करना होगा। जब तक इससे संबंधित हम बहुत अच्छे कानून नहीं बनाएंगे तब तक हम इस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे देश में मुद्रा प्रक्षालन या मुद्रा शोधन निरोधक अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, इसको हम लोग अंग्रेजी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते हैं, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी मुद्रा शोधन को रोकने का एक कानून। तो ये 2002, आप देखिए कि कितना समय हो गया इसको। इसके बाद हम दो बार इसको बहुत विस्तृत रूप से परिष्कृत भी कर चुके हैं, अमेंडमेंट्स भी कर चुके हैं इसके अंदर। अब तो ये बहुत ही अच्छा कानून बन चुका है और काफी कठोर कानून भी है ये। इसके अलावा हमने अन्य कानूनों में संशोधन भी किए हैं। हमने भारतीय दंड संहिता, हमने अपने वाइल्ड लाइफ एक्ट, हमने अपने स्वापक पदार्थ जिनको नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं, NDPS उससे रिलेटेड एक एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, आर्म्स एक्ट है हमारा, हथियार का जो कानून है, एक्सप्लोजिव एक्ट्स है, ये सारे कानूनों में बदलाव कर हमने उनसे जो संबंधित पैसे का उसमें लेन देन होता है उसको भी एक अपराध माना है। यानी कि अब आप दो अपराध कर रहे हैं, एक तो एक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरा आप उसमें से जो पैसा कमा रहे हैं तो दूसरे कानून का भी, यानी हमारा मुद्रा शोधन कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो दो तरह की ऑफेंस का फिर दो तरह का पनिशमेंट होता है, यानी कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का एक इसमें पॉइंट आ जाता है। तो काफ़ी कठिन और काफ़ी कठोर कानून, कठोर ज़्यादा अच्छा शब्द है, काफ़ी कठोर कानून हम लोग इस बारे में लेकर आ रहे हैं। अब ये जो कानूनी रूपरेखा हमने बना दी है ये तो एक पॉइंट हुआ, लेकिन इसका कार्यान्वयन, तो कार्यान्वयन प्रणाली का विकास किया जा रहा है। यानी कि कानून होने पर भी अगर उसका ठीक से कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो वो कानून का कोई लाभ नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी बैंक हैं उन सबको एक रूपरेखा दे रहे हैं, अपने जो कर्मचारी हैं उन सब लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दें कि कोई भी बैंक खाता धारक यदि संदिग्ध लगता है तो उसकी रिपोर्ट वो सरकार को दें। सरकार का इसके अंदर एक संगठन कार्यरत है जिसको हम लोग FIU बोलते हैं, यानी कि वित्तीय खुफिया इकाई, अगर हिंदीकरण करें हम इसका। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम लोग बहुत अच्छा हिंदीकरण नहीं कर पाते क्योंकि वो शब्द इंग्लिश में बनाए जाते हैं, इसलिए मैं आपको अंग्रेजी में भी वो साथ साथ बताऊंगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मैंने शब्द यूज़ किया, वित्तीय खुफिया इकाई। इसका कार्य है हर बैंक या वित्तीय संस्थान से सूचना लेना, उसको परिष्कृत करना, और अगर उसमें कुछ दम है तो फिर उसको आगे भेज देना एक्शन के लिए, जिसको हम लोग प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। प्रवर्तन निदेशालय का कार्य है एक्शन लेना यानी कानूनी कार्रवाई करना, लेकिन सूचना का जो अधिग्रहण है उसका परिष्कृत है वो सब कार्य जो है वो FIU करेगा। तो दो संगठन यहाँ पर हो गए, एक खुफिया रूप से काम करेगा, इंटेलिजेंस का काम करेगा, और दूसरा एक्शन का कार्यान्वयन का काम करेगा। ईडी के बारे में तो आप रोज सुनते ही हैं, अखबारों में काफ़ी चर्चा होती है क्योंकि जो
कर कानूनों का कार्यान्वयन उनके पास है इस वजह से। तो कार्यान्वयन प्रणाली का हमने विकास कर लिया, और साथ ही साथ हमने इसके बीच में एक पॉइंट और भी डिस्कस किया कि प्रभावी एजेंसियों का भी हमने निर्माण किया जो इनके साथ काम करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग इकट्ठा लिख सकते हैं। मैंने एजेंसियों के कुछ नाम भी बताए अभी आपको, FIUED, और कार्यशैली भी उनकी मैंने आपके साथ 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 डिस्कस की। एक डायरेक्टरेट ऑफ करेंसी भी हम लोगों ने किया है, यानी कि करेंसी निदेशालय जिसको हम बोलते हैं, अगर कोई फेक करेंसी यानी जाली नोट बरामद होते हैं तो उसमें भी काले धन का एक कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, तो उससे संबंधित कार्य करने के लिए हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ काउंटरफिट करेंसी यानी इसका DOC का प्रयोग कर सकते हैं। और आखिरी जो मुद्दा है वो है कि जो भी हमारे मानव संसाधन हैं जो इसके अंदर कार्यरत हैं उनका विकास कैसे हो। जो हमारे विभाग हैं उनमें और जो हमारी दूसरी एजेंसियां हैं FIUED और हमारी जो पुलिस है, ये सब लोग जब तक सक्षम नहीं होंगे, आजकल वैसे भी हम लोग स्किल इंडिया की बात करते हैं, इनमें दक्षता होनी चाहिए, तो दक्षता के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय कर कानून आने चाहिए, दूसरे देशों ने इस विषय में क्या क्या कदम उठाए हैं वो आना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अच्छे विकसित देशों में ये समस्या को निवारण किस प्रकार से किया गया, हम कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो बाहर से अपना सकते हैं जो बाहर के देशों ने अपनाई, और कौन सी ये हैं जिनको हम थोड़ा बदल के यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसके लिए अच्छे हमारे मानव संसाधन अगर होंगे, यानी ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका विकास करना भी अति आवश्यक है। तो ये अगर हम 5 पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं तो इससे आपको पूरा राष्ट्रीय स्तर पर किया गया जो हम लोग ने डिस्कस किया आपसे प्रयास, वो समझ में आएंगे। तो यहाँ पर आके मेरी पहली चर्चा आपके साथ ये ख़त्म होती है कि काला धन क्या है, मुद्रा शोधन क्या है। तो इसके साथ मैं विराम देता हूँ। संजय मोंगा, KSE ETEN की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।